Hello class 4 students, I am Ajay and today I am going to teach you some of it science. आज हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट के बारे में. अभी तक आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 में विच इज आर ऑर्गन सिस्टम, हमारे चैप्टर 1 का नाम क्या है, आर ऑर्गन सिस्टम्स. तो हमारी बॉडी के अंदर देर आर सो मैनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन हैं, अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक है हमारी, लीवर है, ठीक है, लंग्स हैं. देर आर सो मैनी ऑर्गन्स इन आर बॉडी. इन सभी ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम. अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इन सभी के बारे में पढ़ा है. आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. सो लेट सी कि नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे. गेट रेडी, लेट्स रीड सम साइंस. देयर वी गो. नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले जो आपको इसमें समझने की जरूरत है दैट दिस इज द नर्वस सिस्टम. ये नर्व से बना है. तो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं. द नर्वस सिस्टम हेल्प्स द बॉडी इंटरैक्ट विद द थिंग्स अराउंड इट. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है, इट हेल्प्स द बॉडी, ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है टू इंटरैक्ट विद द थिंग्स अराउंड इट. अब मान लीजिए आपके पास एक गर्म पतीला रखा है, हम जब उसको छूते हैं तो हमारा ब्रेन हमको बताता है कि हाथ पीछे ले लीजिए नहीं तो वो जल जाएगा हाथ. ठीक है, हमें कभी भी कोई सर्दी लगती है, कोई गर्मी लगती है, हमें कुछ चीज़ सुनाई देती है, वो हमें कैसे पता लगता है, ये सब हमें हमारे आसपास होने वाली सभी चीज़ों का पता लगता है नर्वस सिस्टम की मदद से. हमें कोई आवाज़ लगा रहा है, अब क्या होगा, वो आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचेगी, कान में जो नर्व्स होती हैं वो उस आवाज़ को हमारे ब्रेन तक पहुँचाएंगी और वो साउंड कन्वर्ट होगा. ऐसे काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये कंप्लीट जो हमें दिया गया है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले जो चीज है, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, इसमें सबसे पहले अपर पार्ट कौन सा है, ब्रेन का. द सेकेंड थिंग इज द स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो बैकबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, दिस एज यू कैन सी इज द स्पाइनल कॉर्ड. एंड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स, वास्ट नेटवर्क, एक बहुत ही जाल फैला हुआ नेटवर्क, किस चीज का, नर्व्स का, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक वास्ट नेटवर्क और ये बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है, स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. तो नाउ वी नो दैट हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें तीन चीजें हैं. द फर्स्ट वन इज द ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली अलग अलग नर्व्स. द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स एंड कनेक्ट्स ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में है क्या. What is spinal cord? It is a long. सबसे पहले जो बात हमें पता लगी that it is long. हमारी जो पूरी back है यहाँ पे, इसमें क्या होगा? It is long. It is thin bundle of nerves. बहुत सारी nerves, छोटी-छोटी और पतली nerves आपस में मिलके एक thick bundle बनाती हैं, ऐसे मोटी rope बनाती हैं और इस complete rope को बोला जाता है the spinal cord. इसको नाम याद रखना. कोर्ड एक प्रकार से रस्सी होती है एंड कनेक्ट्स ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. क्या करती है स्पाइनल कोर्ड, हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं उनको एक जगह कनेक्ट करती है. यू कैन सी सारी कहां पर कनेक्ट हो रही है, स्पाइनल कोर्ड के अंदर. और फिर इन सभी को किससे कनेक्ट किया जाता है, ब्रेन के साथ. गॉट इट. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोर्ड टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, द वन इज द ब्रेन एंड द सेकंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड. इन दोनों को इकट्ठा करके हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट रिसीव्स एंड सेंड्स सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स. तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, द फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी दो चीजें हैं, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड किस चीज से बना है, बहुत सारी नर्व्स के बंडल से बना है. इनका काम क्या है, इट रिसीव्स, ये लेते हैं एंड सेंड्स और भेजते हैं, व्हाट,
the signals to different parts of the body through nerves. तो ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास सिग्नल्स भेजता भी है और वहां से रिसीव भी करता है. वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल द ईयर सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन. दीज सिग्नल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रेन एज साउंड. तो जो हमारे कान है उसमें कोई भी आवाज आएगी वो आवाज हमारे कान तक पहुंचती है और वो जब आवाज हमारे ब्रेन तक जाएगी तो वो क्या बन जाती है, ब्रेन उसको क्या रिकॉग्नाइज करता है, एक साउंड के रूप में. तो हम फिर बता पाएंगे कि किस चीज का साउंड हमने सुना है. सो दिस वॉज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो ये आपका बहुत बेसिक बताया गया था अबाउट द नर्वस सिस्टम. इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेट्स रिवाइज देम. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. गॉट इट. Now let's move on to the next topic, which is the digestive system. अब बात करते हैं हम digestive system के बारे में. अब दिखाई दे रहा है digestive is something जो digestion से, पाचन तंत्र से related है. हम कोई भी खाना खाते हैं, हम पूरे दिन इतना सारा काम करते हैं तो हमारी body को energy की requirement होती है. अब हमारी body पूरे दिन काम करती है, उस काम को करने के लिए हमारी body को ऊर्जा यानी कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. फाइन. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, हम जो पूरे दिन भर खाना खाते हैं उससे क्या आती है, एनर्जी. नाउ खाने से एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ, इस ये किसका काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. आर बॉडी रिक्वायर्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू वर्क प्रॉपरली. हमारी बॉडी को बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स. फाइन. टू वर्क प्रॉपरली तो हमारी बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की. फाइन. दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. और जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को आवश्यकता है वो कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. जो हम खाना खाते हैं उसमें से वो मिलते हैं हमें. विच इज ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हमने तो एक कंप्लीट चपाती खाई थी, अब वो चपाती ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में सेल्स तक जाती है और वो सेल्स उस चपाती से मिली हुई उसमें से क्या कन्वर्ट करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, द ईसोफेगस. इसके प्रोनंसिएशन को ध्यान से सुनो, ईसोफेगस विच इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं, फूड पाइप. स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. जैसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में समझा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, द फर्स्ट वन वाज द ब्रेन एंड सेकंड वन वाज द स्पाइनल कॉर्ड. वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज द माउथ, द सेकंड वन इज द फूड पाइप, द थर्ड वन इज स्टमक, उसके बाद आता है इंटेस्टाइन्स. तो ये सभी मिलके हमारा क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. गॉट इट. व्हेन वी च्यू फूड विद आवर टीथ द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें क्या सलाह मिलती है, क्या एडवाइस मिलती है, कि खाने को आराम से और थोड़ी मात्रा में चबा चबा कर खाइए. ऐसा क्यों बोला जाता है, ताकि जो हमारे टीथ हैं वो खाने को अच्छे से क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके. तो जो हमने फूड खाया यहाँ पे वो माउथ ने उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया. गॉट इट टिल है. फाइन. दीज पार्टिकल्स गेट मिक्स्ड विद सलाइवा. कोई भी स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद क्या होता है, मन में पानी आ जाता है मन में. तो मुंह में जो वो पानी आता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा. सलाइवा क्या होता है, इट इज अ वॉटरी सब्सटेंस. ये पानी जैसा वो पदार्थ है रिलीज्ड इन द माउथ दैट हेल्प्स इन मेकिंग द फूड सॉफ्ट. जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो हार्ड रहेगा तो हम उसको स्वेलो नहीं कर पाएंगे. तो बॉडी के अंदर क्या होता है, द जो फूड पार्टिकल्स है इनके अंदर क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा. तो जब सलाइवा जो कि एक पानी की तरह सब्सटेंस है जो इसके साथ मिक्स हो जाता है, अब ये जो है फूड
ये आराम से हमारी ईसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक तक जा सकता है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। देन द फूड रीचेस द स्टमक। अब फूड का नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? अब ये हमारी ट्रेन रुकती है कहां पर जाकर? स्टमक में। फाइन, दिस इज द स्टमक। क्या बोलेंगे? STOMACH, स्टमक। थ्रू द ईसोफेगस। और ये किस रास्ते से आया ये फूड? माउथ से स्टमक तक फूड, माउथ से पेट तक फूड किस चीज के थ्रू पहुंचा? ईसोफेगस। और हम इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, एक ऐसी पाइप जिसमें फूड पास होता है। इन द स्टमक दे गेट मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब आप इस डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो हमारा जो फूड है, अब ये स्टमक में पहुंचने के बाद जो कुछ जूसेस होते हैं वो इस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और इसको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड आर पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो फूड जिसके अंदर जूसेस अब मिक्स हो चुके हैं, ये किस में चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड चला जाता है। द फूड पार्टिकल्स आर फर्दर कन्वर्टेड इंटू सिंपलर फॉर्म्स। और ये जो फूड पार्टिकल है जो हमारी स्टमक से अब कहाँ गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो और भी सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है, विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। फाइन, लास्ट में हमको क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो हमने फूड खाया, टीथ ने उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, उस टूटे हुए फूड में जो टुकड़े हैं छोटे छोटे उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है और वो हमारे ईसोफेगस से होते हुए हमारी स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं और फूड को और भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है और वहां पर क्या होता है? और भी जूसेस के साथ मिक्स होने की वजह से ये और भी सिंपल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी बाहर निकाल लेती है और वो एनर्जी हमें मिलती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो हमने फूड खाया था अब वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन चुका है और उससे हमें एनर्जी मिल चुकी है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेशन, कि अब वो हमारे पेट में पच चुका है, हमने खाना पच चुका है हमारे पेट में, इसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन। और डाइजेशन कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं? द माउथ, द ईसोफेगस, द स्टमक, द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो टाइप्स की होती है, स्मॉल एंड लार्ज। उसके बाद जो हमने फूड खा लिया, अब उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा और वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। द अनडाइजेस्टिव फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट यानी कि बाहर निकल जाएगा। किसके थ्रू? थ्रू द एनस। तो हमारी बॉडी कहां से शुरू होती है डाइजेस्टिव सिस्टम? माउथ से। फिनिश कहां पर होती है? एनस पे। और बीच में वो ईसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से वो एक्सपेल्ड आउट यानी कि वो चीज बाहर निकल जाती है। सो दिस वॉज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा द नर्वस सिस्टम। सो आज का जो हमारा टॉपिक था द नर्वस एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आई होप यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक। आप अपनी बुक से इस चैप्टर को पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी आपने नए वर्ड्स को देखा है उनको समझिए, उनकी स्पेलिंग्स को लिखिए, उनकी प्रोनंसिएशन पे ध्यान दीजिए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।